لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हमारे यहाँ एक और लफ्ज़ जो इस्तेमाल में आता है वो है लफ्ज़ वजीफ़ा। वजीफ़ा के मानी क्या है? वजीफ़ा के बहुत सारे मानी हैं उर्दू ज़बान में। वैसे तो पीछे आना, रोज़ाना काम करना, रोज़मर्रा पढ़ने की दुआ, इसी तरह वो चीज़ जो हर रोज़ के वास्ते मुकर्रर हो, मुकर्ररा काम, वो रुपया जो तालिबे इल्मों को पढ़ाई जारी रखने के लिए दिया जाए कि भाई हमारा वजीफ़ा मुकर्रर है, हमें स्टेट से पैसे आते हैं। इसी तरह रिटायरमेंट के बाद एक वजीफ़ा, एक मुकर्ररा आमदनी का आना, ये तमाम चीज़ें लफ्ज़ वजीफ़ा में आती। तो इन तमाम चीज़ों में आप एक चीज़ देखेंगे कॉमन, के किसी भी चीज़ का तवातुर के साथ होना, मुसलसल होना, एक से ज़ायद दफ़ा होना, एक पैटर्न में होना, ये वजीफ़े के माने हैं। अल्लाह के ज़िक्र को, याद खुदा को, रोज़मर्रा पढ़ने की दुआओं को, क्योंकि वो तवातुर के साथ रोज़मर्रा पढ़ी जा रही है ना, तो इसलिए उसको वजीफ़ा कहते हैं। और इससे ज़ायद इसका कोई और माना मफहूम नहीं है। यही इसका माना है कि ये लफ्ज़ जो है किसी भी चीज़ का तवातुर के साथ आना। अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है, वाओ जोए ये फे है। इस्म नकरा है, मुजक्कर है, वाहिद है, और इसके अंदर फिर और तफसीलात आती हैं। फिर उसमें हम अरबी ग्रामर में फिर जाना पड़ेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको आम तौर पर यूं ही समझ लें कि ये इसका माना है कि किसी भी चीज़ का तवातुर के साथ पेश आना, इसको लफ्ज़ वजीफ़ा का उस पर इतलाक़ होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग़।